26 अगस्त को बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो अंदोहनाक वाकयात पेश आए उसमें बहुत से लोग जो हैं उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, तो उस पर एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इजलास बुलाया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इजलास जो है वो कल उन्होंने बुलाया है और इसमें उन्होंने कुछ बलोचिस्तान के जो सियासतदान हैं जो पार्लियामेंट के मेम्बर्स भी हैं उनको भी शिरकत की दावत दी है। लेकिन इतलात ये हैं कि अख्तर मैंगल साहब जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं उन्होंने इजलास में शिरकत से ये कह के माजरत किया जी कि मैं स्टेक होल्डर नहीं हूं, जो स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाएं क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक सीट है। ये पता नहीं उन्होंने माजरत के लिए जो जस्टिफिकेशन दिया या जवाब तलाश किया ये ताना है या कोई हकीकत है, लेकिन मामला बड़ा अहम है कि बलोचिस्तान का मामला जो है वो संगीन है लेकिन वजीर आजम इजलास बुला रहे हैं और उसमें सिर्फ अख्तर मैंगल साहब नहीं कुछ और जो नेशनल सियासतदान है वो भी नहीं जा रहे।